जहां पर एनडीए अलायंस में शामिल होने के बाद में सुहेल देव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कई नेताओं को सुहेल देव पार्टी की सदस्यता दिलाई है। पार्टी ज्वाइन करने वाले नेताओं में धर्मेंद्र सिंह चौहान, असलम अली खान, वीर बहादुर समेत अन्य नेता शामिल है। ओम प्रकाश राजभर ने बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी में कई पुराने नेताओं को सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ज्वाइन कराई है। पार्टी की बढ़ती हुई ताकत से समाजवादी पार्टी के लोग बहुत परेशान हैं। इस नाते अनर्गल बयानबाजी और अनर्गल तरह तरह के सोशल मीडिया के माध्यम से सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का गलत प्रचार प्रसार करने में लगे हैं, तो इससे सावधान होने की जरूरत है। आजमगढ़ में जब से ये लगा है कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के नेतृत्व में देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम लगने वाला है अक्टूबर में, तब से समाजवादी पार्टी के लोग और बौखलाए हुए हैं। ये लोग कुछ लोगों को फर्जी राजभर बना करके पीला साफा टांग ले रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग, और जाकर के कह रहे हैं कि भाई रैली में नहीं जाना है, वो गर्त में ले जाने वाली रैली है। लेकिन समाजवादी पार्टी को ये पता नहीं कि जिस अति पिछड़े अति दलित का उपहास समाजवादी पार्टी ने किया, आज उसको आगे बढ़ाने का काम अगर कोई कर रहा है तो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी। खरवार को राज्यपाल, चौहान को राज्यपाल, विश्वकर्मा को MLC, क्या कभी समाजवादी पार्टी ने सोचा था?